जिनका नाम था बाला साहेब ठाकरे। बाल ठाकरे का बचपन का नाम बाल केशव ठाकरे था, जो वक्त के साथ साथ बाला साहेब ठाकरे बन गया। बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट थे, राजनीतिक तो उन्होंने बाद में ज्वाइन किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि ठाकरे मशहूर क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट थे। 1950 के आसपास टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इन्हीं के कार्टून छपते थे। बाल ठाकरे को हिंदू सम्राट कहा जाता था। उनका बिना देखे भाषण देना लोगों के मन को भा गया। उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ एकजुट होती थी। चांदी के सिंहासन में बैठने के शौकीन बाल ठाकरे के दरबार में विरोधी भी हाजिर लगाते थे। ठाकरे खुलेआम उनको धमकी दे देते थे। बाल ठाकरे जब किसी का विरोध करते थे तो दुश्मनों की तरह, और जब तारीफ करते थे तो ऐसे कि जैसे उनसे बड़ा कोई मित्र ही नहीं। 19 जून 1966 को बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में नारियल फोड़ के अपने दोस्तों के साथ शिवसेना नामक पार्टी बनाई, जो अभी भी महाराष्ट्र में सक्रिय है। 1960 और 1970 के दशक में महाराष्ट्र में लुंगी हटाओ पुंगी बचाओ अभियान चलाया था, जो स्पेशली बिहारियों के लिए था, क्योंकि बाल ठाकरे का मानना था एक बिहारी 100 बीमारी के समान है। 1980 के दशक में बाल ठाकरे ने मुसलमानों के बारे में कहा कि ये कैंसर की तरह फैल रहे हैं, देश को इनसे बचाया जाना चाहिए। बाल ठाकरे की एक खास बात थी, वो कभी किसी से मिलने नहीं गए। जिसे मिलना है खुद घर आओ। भारत की हर बड़ी हस्ती उनसे मिलने के लिए उनके घर मातोश्री जाते थे, चाहे वे बॉलीवुड एक्टर हो या कोई राजनेता। हमारे वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनमें से एक थे। अपने भाषणों में बाल ठाकरे अक्सर दो ही चीजों के तारीफ करते थे, एक था हिटलर, दूसरा था श्रीलंका का आतंकी संगठन लिट्टे। बात है सन 1990 के आसपास की। कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद चरम पर था। वहां पर कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था। अमरनाथ यात्रा चल रही थी। आतंकवादियों ने यात्रा बंद करने की धमकी दी और कहा जो अमरनाथ यात्री आएगा उसे वापस नहीं जाएगा। तब बाल ठाकरे ने एक बयान दिया कि हज के लिए जाने वाले 99% फ्लाइट मुंबई के एयरपोर्ट से जाती है, देखते हैं यहाँ से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है। इसके फलस्वरूप अगले ही दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। सन 1992 में बाबरी मस्जिद ढह गई थी। बाल ठाकरे को आपकी अदालत शो में आए हुए थे, तब उनसे कहा गया कि सुना है ये काम सिर्फ सैनिकों ने किया है, तो वो बोले अरे ये काम सिर्फ सैनिकों ने किया है तो ये गर्व की बात है। बाल ठाकरे के कुछ स्पेशल भी शौक थे, जैसे सिगार पीना, व्हाइट वाइन पीना। ज्यादातर फोटो या इंटरव्यू में उनके हाथ में पाइप या सिगार होती ही थी। पाइप तो 1995 में दिल के दौरे के बाद छोड़ दी, लेकिन सिगार मौत के साथ ही छूटी। 1999 में बाल ठाकरे पर 6 साल तक वोट डालने और चुनाव लड़ने पर बैन लगा था, लेकिन बाल ठाकरे ने अपने जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। अपनी मौत से 2 दिन पहले ठाकरे ने का एक बयान आया था कि आर्मी मेरे हवाले कदम में देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। ठाकरे के जीवन में दुख भी बहुत था। पहले उनकी पत्नी का निधन, फिर बड़े बेटे बिंदु माधव की कार हादसे में मौत, फिर दूसरे बेटे जयदेव के साथ मन मुटा और लाडले भतीजे राज ठाकरे का अलग पार्टी बनाना। आपको बता दे राज ठाकरे वो आदमी थे जिनको बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता था। अभी राज ठाकरे ने एमएनएस पार्टी की गठन किया। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे का निधन हो गया। उस दिन पूरा मुंबई बंद था। अंतिम यात्रा में लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आवाज उठती थी, बाला साहेब। लाखों लोग चिल्लाते थे अमर रहे। बाल ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे और ना ही सांसद, फिर भी उन्हें मरने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई, जो किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मिलती है। ये रुतबा था बाला साहेब ठाकरे का। बाय दोस्तों, मिलते हैं अब ऐसे ही कुछ जबरदस्त पोस्ट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।